यरूशलेम नगर से फरीसियों तथा कुछ शास्त्रियों ने आकर मसीह यीशु को घेर लिया। उन्होंने देखा कि मसीह यीशु के कुछ शिष्य सांस्कारिक रूप से अशुद्ध हाथों से यानी बिना धोए हुए हाथों से भोजन कर रहे हैं। फरीसी और सभी यहूदी हाथों को भली भांति धोए बिना भोजन नहीं करते। ऐसा करते हुए वे पूर्वजों से चली आ रही प्रथाओं का पालन करते थे। हाट से लौटने पर वे स्वयं को पारंपरिक रीति से शुद्ध किए बिना भोजन नहीं करते थे। वे चली आ रही अन्य अनेक प्रथाओं का पालन करते चले आए थे, जैसे कटोरों, घड़ों तथा पकाने के तांबे के बर्तनों का धोना। फरीसियों तथा शास्त्रियों ने मसीह यीशु से प्रश्न किया, तुम्हारे शिष्य पूर्वजों से चली आ रही प्रथाओं का पालन क्यों नहीं करते? वे अशुद्ध हाथों से भोजन करते हैं। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आप पाखंडियों के लिए भविष्यद्वक्ता यशायाह की भविष्यवाणी ठीक ही है। ये लोग मात्र होठों से मेरा सम्मान करते हैं, किंतु उनका हृदय मुझसे अत्यंत दूर है। मेरे प्रति उनकी उपासना व्यर्थ है। उनकी शिक्षाएं मात्र मनुष्य के मस्तिष्क की उपज हैं। आप लोग मनुष्य की परंपराओं का तो पालन करते जाते हैं, किंतु परमेश्वर की आज्ञा को टालते जाते हैं। मसीह यीशु ने उनसे ये भी कहा, आप लोग कितनी सुविधापूर्वक परंपराओं का पालन करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। मूसे की आज्ञा है, अपने माता और पिता का सम्मान करो तथा उसे जो अपने माता या पिता के विषय में बुरा कहे मृत्यु दंड दिया जाए। किंतु आपका कहना है, यदि कोई व्यक्ति अपने पिता या माता से इस प्रकार कहे, मेरी संपत्ति में से जो कुछ आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हो सकता था वो कुर्बान है, अर्थात परमेश्वर को समर्पित, इसके द्वारा आप उसे अपने पिता और अपनी माता के लिए कुछ भी करने नहीं देते। अपनी इस प्रथा के द्वारा जो पूर्वजों से चली आई है, आप परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं। आप ऐसे ही अनेक काम किया करते हैं। इसके बाद मसीह यीशु ने भीड़ को दोबारा अपने पास बुलाकर उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके। मनुष्य को अशुद्ध तो वो करता है जो उसमें से बाहर आता है। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब भीड़ से विदा ले वो घर में आ गए, उनके शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत के विषय में प्रश्न किया। इसके उत्तर में मसीह यीशु ने कहा, क्या तुम में भी बुद्धि का इतना अभाव है? क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि जो कुछ मनुष्य में बाहर से प्रवेश करता है उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके हृदय में नहीं परंतु उसके आमाशय में जाता है और बाहर निकल जाता है। इस प्रकार मसीह यीशु ने सभी प्रकार के भोजन को स्वच्छ घोषित कर दिया। जो मनुष्य में से बाहर आता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य के भीतर से, मनुष्य के हृदय ही से बुरे विचार बाहर आते हैं, जो उसे चोरी, हत्या, व्यभिचार, लोभ, दुराचारिता, छल कपट, कामुकता, जलन, निंदा, अहंकार तथा मूर्खता की ओर लगा देते हैं। ये सभी अवगुण मनुष्य के अंतर से बाहर आते हैं तथा उसे अशुद्ध करते हैं।